बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है परवरदिगार का। तो आज मैं क्या बनाने लगी हूँ, बड़े मज़ेदार वाला आलू और गोश्त, और साथ में जी बॉयल करेंगे चावल को। और उससे पहले जो है ना, आप लोगों ने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट्स भी कर दिया करें, ठीक है जी। और जुम्मा आप लोगों को सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और यहाँ पर जो है ऑयल ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, एक और थोड़ा सा और, चले जी अच्छा जी। प्याज है यहाँ पर, ये ऐड कर देंगे जिनको मैंने काट लिया था दिल अच्छे, ठीक है जी। और अभी जो है और मैं चीज़ें दिखा देती हूँ। दो मैंने प्याज ले लिए थे, उसको मैंने काट लिया है, ठीक है। और धनिया है, ये एंड में जो ना जब खाना पक जाएगा, हांडी हमारी तैयार हो जाएगी, और फिर इसके ऊपर हमने इसको डालना, ठीक है जी। चिकन है और टमाटर और कुछ मसाले, यहाँ पर हल्दी और कुटी हुई मिर्चें और जीरा पाउडर और नमक और ऑयल का आपके सामने मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है जी। और अभी जो है ब्राउन करूँगी प्याज को, अभी जो है ना चिकन ऐड करेंगे इसमें। चले जी, चिकन ब्राउन हो गई है, साथ में सारे मसाले ऐड करेंगे, टमाटर भी साथ में ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर जी चिकन हो गई है तैयार, और अभी जो है ना आलू से ऐड करते हैं। हाँ देख लो, उसमें से सेफ होगा। अब ये आलू है, ये ऐड कर देते हैं। अब आलू को भून लेते हैं, और फिर थोड़ा सा पानी डाल के आलू और चिकन को अच्छी तरह से गलने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है जी। और फिर एंड में जो ना हरा धनिया है, ये ऐड करेंगे, ठीक है। चलो जब तक मैं इसको भून लेती हूँ। यहाँ पर जी आलू और चिकन और हरा धनिया इसमें ऐड कर दिया है, और अभी रखेंगे हम इसको दम पे थोड़ी देर के लिए, सिर्फ 10 मिनट के लिए, और खाना हो जाएगा हमारा तैयार। क्योंकि आँच बहुत कम आ रही है, इस वजह से खाने में ना बहुत परेशानी हो रही है मुझे। चले जी, जब तक ये बन जाते हैं और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। चले जी, खाना हमारा हो गया है तैयार, ये देखें माशाल्लाह। आज बनाया जी आलू गोश्त, बीफ नहीं बनाया मैंने, चिकन का बनाया, ठीक है ना। और आज है जी जुम्मा, जुम्मा आप लोगों सबको बहुत बहुत मुबारक हो। चले जी, खाना हमारा हो गया रेडी। और अभी जो है व्लॉग को मैं करती हूँ एंड, इसलिए कि कल के लिए जो ना आप लोग देखिएगा मेरी नई रेसिपी, लेकिन क्या बनाऊंगी वो आप लोग को कल नजर आएगी, ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखा है, पीएम मौज करें यही जिंदगी। कल फिर मिल जाएंगे एक नई रेसिपी के, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।